ऑस्ट्रेलिया में एक नया रोड ट्रिप करने के लिए मेरी कार रेडी है सामने। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने कार का पूरा पैकिंग कर लिया है। ये मेरा पूरा बैग है और ये ड्रोन हो गया और इसमें पूरा कैमरा। और आज का ये ट्रिप मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा से, जहाँ पे मेरा घर है और पीछे वाली बिल्डिंग में मेरा अपार्टमेंट है। और ये रोड ट्रिप जो है ना, लगभग 10-15 दिनों का होने वाला है। और इन 10-15 दिनों में मैं ऑस्ट्रेलिया के उस पार्ट को विज़िट करना चाहता हूँ जो कि बिल्कुल मेरे लिए अनदेखा है। और ऑस्ट्रेलिया के इस रोड ट्रिप में जो भी मेरे को अच्छा बुरा देखने के लिए मिलेगा, वो सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो लगभग एक घंटा ड्राइव करने के बाद मैं लेक जॉर्ज पहुंच चुका हूं, जो कि कैनबरा और सिडनी के बीच में ही पड़ता है। और ये लेक जॉर्ज ही बहुत ही बड़े साइज का लेक है यहां पे, और नज़ारा कुछ ऐसा खूबसूरत देखने के लिए मिलता है। और लेक के अदर साइड में जो कि बहुत सारी पवन चक्की भी लगाई गई है, जो कि देखने में बड़ा ही सुंदर लग रहा है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारे पीछे। और यहां पे जो है कि बैठने के लिए कुछ इस तरह का टेबल कुर्सी वगैरह लगाया रहता है, और कभी बारिश हो या कभी ज़्यादा धूप हो तो आप यहाँ नीचे बैठकर जो है अपना रेस्ट वगैरह कर सकते हैं, लंच वगैरह कर सकते हैं। तो ये सब सारा कुछ फैसिलिटी जो है यहाँ ऑस्ट्रेलिया में आपको देखने के लिए मिलता है। जैसे कि जो लोग जर्नी करते हैं और वो अपना खाना वाना गर्म करना चाहते हैं या कुछ कुक करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बारबेक्यू का एक स्टेशन बनाया होता है, जो कि यहाँ इसका स्विच होता है, तो वो अपना खाना वाना गर्म करके भी यहाँ पे बैठ कर खा पी कर आगे की जर्नी कर सकते हैं। आज यहाँ पे हवाएं इतनी तेज चल रही है ना, जिसके कारण से मैं ठीक से ड्रोन उड़ा नहीं पाया। लेकिन मैंने कोशिश किया कि भाई थोड़ा आप लोगों को ड्रोन का भी फुटेज दिखा देते हैं। तो चलिए अब यहाँ से मैं ड्राइविंग स्टार्ट करूँगा लेक जॉर्ज से, और लगभग 3-4 घंटे ड्राइव करने के बाद मैं एक नए शहर में इंटर करूँगा, और वहाँ का नज़ारा क्या होगा वो सब कुछ भी मैं आप सभी लोगों को दिखाऊँगा। तो वीडियो में आप लोग इंड तक लगे रहिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। लेफ्ट साइड में बहुत ही गहरा ओशियन है, और राइट साइड में आप लोग देख सकते हैं चट्टानों वाला माउंटेन है। लगभग 3 घंटा लगातार ड्राइव करने के बाद मैं फाइनली जो है कि वुलोंगोंग सी क्लिफ ब्रिज के पास आ चुका हूं, और यहां का नज़ारा पहले आप लोग देखिए, क्या मस्त नज़ारा देखने के लिए मिल रहा है हमारे पीछे। और यहां से ये सी क्लिफ ब्रिज वॉक स्टार्ट होता है और माउंटेन के कॉर्नर तक जो है कि जाता है। तो चलिए इस सी क्लिफ ब्रिज का जो है कि आप लोगों को एक छोटा सा टूर कराते हैं, और दिखाते हैं कि सिडनी से 1.25 घंटे की दूरी पे छोटा सा शहर वुलोंगोंग, जहाँ पे ये सी क्लिफ ब्रिज है, यहाँ का नज़ारा कैसा है। तो भाई कुछ इस तरह का व्यू था ड्रोन से। उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को पसंद आया हो। एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ, इस प्लेस को बोलते हैं वुलोंगोंग, और इस ब्रिज को बोलते हैं सी क्लिफ ब्रिज, जो कि सिडनी से मात्र 1.5 घंटे की ही दूरी पे है। तो यहाँ बहुत आसानी से लोग जो है कि ड्राइव करके आते हैं, और इस खूबसूरत एरिया का और इस खूबसूरत ब्रिज का वॉक वगैरह करते हैं, नज़ारा वगैरह देखते हैं, और उसके बाद वापस सिडनी चले जाते हैं। तो चलिए इससे ही क्लिफ ब्रिज का टूर तो मैंने करा दिया, अब वुलोंगोंग सिटी को भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। तो भाई
भाई सबसे पहले आप लोग यहाँ पे ये इतने सारे सीगल देख सकते हो, और इनको कोई हल्का सा भी फूट देता है ना तो ये बहुत सारे जो है यहाँ पे चले आते हैं। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं ये भाई साहब। तो फाइनली भाई सी क्लिफ ब्रिज देखने के बाद जो है कि मैं यहाँ वुलोंगोंग के सबसे मेन टूरिस्ट प्लेस पे आ गया हूँ, और हमारे पीछे ये टावर देख सकते हैं, और हमारे चारों तरफ का पहले आप ये नज़ारा देख लीजिए। इस प्लेस को बोलते हैं वुलोंगोंग लाइट हाउस। हमारे पीछे आप पूरा बीच का नज़ारा देख सकते हैं। और भाई ऑस्ट्रेलिया में जो है ना आइसक्रीम ट्रक कुछ ऐसा होता है, तो ये कहीं कहीं जो है कि आइसक्रीम ट्रक आपको देखने के लिए मिलता है। मैं कैनबरा से ड्राइव करके यहाँ तक आया हूँ, और कैनबरा से यहाँ तक मुझे आने में लगभग 4 घंटा लग गया है, लेकिन अगर आप सिडनी से यहाँ आना चाहेंगे तो मात्र 1 से 1.5 घंटा आपको लगेगा यहाँ वुलोंगोंग आने के लिए। तो चलिए थोड़ा इधर चारों तरफ का नज़ारा आपको दिखाते हैं। तो भाई अभी अभी वुलोंगोंग लाइट हाउस के पास हम आए हैं। आर यू गाइस लोकल फ्रॉम हियर? Yeah, we live here. Yeah. In Wollongong. Yeah. What's your name? Lucy. Why there is a 2 lighthouse? So the small one over on this side is the that old one. Yeah. And then this is the big new one, which brings in all the boats into the port at Port Kembla. At the current period, this one is working, yeah. And that one is yeah. not working. Yeah. तो भाई यहाँ शाम के समय जो है ना बहुत सारे लोग आते हैं, कुछ लोग रनिंग करने के लिए आते हैं, कुछ लोग विजिट करने के लिए आते हैं, और कुछ लोग जो है कि जिनका डेली का शेड्यूल होता है, जो यहाँ आसपास के लोग होते हैं तो वो लोग भी यहाँ पे आते हैं। तो ये कुछ इस तरह का यहाँ तोप वगैरह लगाया गया है, और भाई ये रियल है जो कि वॉर के टाइम में यूज़ हुआ होगा। 3 तोप यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है भाई, और ये तीसरा वाला। और भाई ये जो तोप लगाया गया ना, इस देखने में इतना सुंदर लग रहा है ना कि मज़ा आ जा रहा है। ये देखो, तो अभी सनसेट हो चुका है, और सनसेट होने के बाद जो है कि यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है। और यहाँ पे बहुत सारी जो है कि छोटी बड़ी बोट्स आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो भाई यहाँ वुलोंगोंग में ना 2 लाइट हाउस है, एक पुराना वाला है जो कि बिल्कुल ख़राब हो चुका है, जो कि आप हमारे ठीक पीछे देख सकते हैं, और एक नया वाला है जो कि हमारे ठीक पीछे वहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ इतने बड़े बड़े साइज़ के जो है ये कंक्रीट वाले पत्थर रखे गए हुए हैं, और यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है कि फिशिंग कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो देख लीजिए भाई, कुछ इस तरह का नज़ारा आज हमको देखने के लिए मिला वुलोंगोंग में। या लाइट हाउस का, वुलोंगोंग का, सी क्लिफ ब्रिज का सारा टूर मैंने करा दिया, और उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया हो। और चलो भाई, अब थोड़ा बहुत मुझे भूख भी लगा है, तो कुछ खा पी लेते हैं, और उसके बाद कल किसी और टाउन में निकलते हैं। तो चलिए इसी खूबसूरत नज़ारे के साथ आज की इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए हर हर महादेव।